हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेज़न शॉपिंग हॉल। इसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं लाइक मेकअप, स्किन केयर और फॉर डेली यूज। तो आज मैं उसका हॉल आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करें। तो जो मैंने पहला प्रोडक्ट मंगवाया है दैट इज अ सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 385, बट मैंने अमेजोन से कुछ मुझे डिस्काउंट मिला। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है जो मुझे पड़ी तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो ये जो फेशियल वॉश है दिस इज वेरी काइंड टू स्किन। ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ही ज्यादा काइंड है। आपको बिल्कुल जो आपके जो फेस है उसकी जो मॉइस्चराइजेशन है उसको बिल्कुल भी ये कम नहीं करता। तो आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड फील होती है आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश। तो ये जो फेस वॉश है ये मैंने पहले भी एक बार यूज किया है तो इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले थे। मेरी जो फेस है उसमें थोड़ी ब्राइटनेस भी आ जाती है इस फेस वॉश के यूज के बाद, तो इसीलिए मैंने ये अब ये फेस वॉश ये वाला मंगवाया है। ये हब आपकी इम्प्योरिटीज के साथ फाइट करता है और जो भी इरिटेंट्स होते हैं स्किन के उसको ब्लॉक करके आपको एक रिफ्रेशिंग एंड हाइड्रेटेड स्किन देता है और जो आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल होता है उसको बिल्कुल भी कम नहीं करता, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा एक फेस वॉश है। जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अ सेट ऑफ 4 क्लॉ क्लिप्स। ये जो क्लिप्स है ये मुझे 4 के सेट में रिसीव हुए हैं। इसकी जो प्राइस है दैट इज ओनली 199 रुपीज। तो ये इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे जो क्लिप्स थे वो टूट चुके थे, मेरे पास अब कोई क्लिप नहीं बचा था, इसीलिए मैंने ये सेट ऑफ 4 मंगवाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं इसके। देखिए इसमें है थोड़ा एक ग्रे टोन, ग्रे शेड और ब्लैक और पिंक एंड दिस इज डार्क ग्रीन। तो ये बहुत ही अच्छी, इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे ये क्लॉ क्लिप्स हैं। ये नेक्स्ट मैंने मंगवाया है मामा अर्थ टूथपेस्ट फॉर किड्स। जो मेरी डॉटर है वो इज 5 ईयर्स ओल्ड, तो उसके लिए मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए था जो उसकी जो टीथ है उसको अच्छे से क्लीन भी करे और वो केमिकल फ्री भी हो। तो ये जो मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है दिस इज प्लांट बेस्ड टूथपेस्ट और दिस इज एन ऑरेंज फ्लेवर। जो मेरी डॉटर है उसको कोई और फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, पहले मैंने बेस्ट फ्लेवर मंगवाया था, मिक्स्ड फ्रूट मंगवाया था, बट उसको ये ऑरेंज फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी मुझे 2 के सेट में रिसीव हुआ था, एक मेरी बेटी यूज करना शुरू कर दिया है और ये है ये टूथपेस्ट जो है दिस इज वेरी नाइस फॉर द किड्स। और मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के जो टूथपेस्ट यूज किए हैं लाइक मीमी, कोलगेट, तो उनमें से मुझे ये मामा अर्थ का जो टूथपेस्ट है वो बेस्ट लगा किड्स के लिए। इसकी जो प्राइस है दैट इज 116 रुपीज, बट मुझे ये 2 पेयर लेने पड़े बिकॉज शिपिंग फ्री हो जाती है। अगर आप 2 का पेयर लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुझे कितने के पड़े होंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज अ बायोटिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू। दिस शैम्पू वर्क्स एज अ क्लींजर एंड अ कंडीशनर। ये जो बायोटिक के प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी यूज किए हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। तो इसमें है फ्रेश नीम, जो ये आपकी जो ड्राई इची फ्लेकी स्कैल्प होती है उसको बिल्कुल क्लीन करता है और डैंड्रफ से फाइट करके आपको देता है बहुत ही एक हाइड्रेटेड स्कैल्प। तो फर्स्ट टाइम इसको मंगवाया है, पहले मैं हेड एंड शोल्डर्स यूज कर रही थी जो कि बहुत ज्यादा हार्श होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू मंगवाया है। ये शैम्पू का काम भी करेगा और कंडीशनर का काम भी करेगा। इसका जो रिव्यू है मैं आपको बाद में दूंगी बिकॉज आई हैवंट यूज्ड इट टिल नाउ, तो जब मैं इसको यूज करूंगी तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसका जो प्राइस है दैट इज 207 रुपीज और इसकी क्वांटिटी है 340 ml। इसको यूज करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इसने मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं। नेक्स्ट है ये ड्राइंग बुक्स। ये मैंने 4 का सेट मंगवाया था और इसकी जो प्राइस है बहुत ही मुझे रीजनेबल लगी, दैट इज 130 रुपीज। तो मुझे लगता है अगर 4 ड्राइंग बुक्स हमें मिल रही हैं 130 रुपीज की तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बेटी जो है वो बहुत ही ड्राइंग की बहुत ज्यादा शौकीन है, उसकी जो ड्राइंग बुक्स है वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी भर देती है,
तो रोज ही वो मांगती है कि मम्मा मुझे ड्राइंग बुक मंगवा दो, ले दो, कभी टाइम नहीं लगता मार्केट में जाने का। तो इसीलिए मैंने ये 4 का सेट ही मंगवा लिया ताकि जब भी उसे जरूरत हो तो मुझे ये मैं उसे ये दे सकूं। और ये क्लासमेट कंपनी की है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है दैट इज अ स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। ये एक फुल कवरेज कंसीलर है और आपके मेकअप के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल है। ये जो मेरा शेड है दैट इज मीडियम बीच 04, ये मेरी स्किन के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच हुआ और इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है इसकी। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करने के बाद मैं इसका रिव्यू जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि जो इसका टेक्सचर है वो एक फुल कवरेज ये कंसीलर है और इसका जो शेड है दैट इज मीडियम बीच। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप ये शेड मंगवा सकते हैं और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत इजीली ब्लेंडेबल है और आपको एक मैट फिनिश देगा और मेकअप के लिए ये बहुत ही ज्यादा आइडियल है। ब्लेंडिंग के बाद आपको बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगी और देखिए मेरी स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो गया। ये जो प्राइस है दैट इज 229 रुपीज, पर आफ्टर डिस्काउंट आई हैव गॉट इट इन 168 रुपीज। जो मेरा अगला प्रोडक्ट है दैट इज अ मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये मैंने जो शेड मंगवाया है दैट इज 220 एंड इट इज नेचुरल बीच शेड। ये जो पाउडर है दिस कंट्रोल्स योर ऑयल प्रोडक्शन एंड और आपको एक मैट फिनिश देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर आपको मिलेगी एक स्पॉन्ज और एक मिरर है इसमें और इसका जो शेड है दैट इज नेचुरल बीच। यू कैन सी के हाउ डज इट लुक। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, एक सन प्रोटेक्शन का काम भी करेगा और आपको एक ऑयल फ्री लुक देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं प्रोडक्ट रिव्यू में इंडिविजुअल वीडियो जरूर बनाऊंगी जिनमें मैं आपको इनके डिटेल में प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी। आज तो मैं आपके साथ ओनली शॉपिंग हॉल ही शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ हर प्रोडक्ट के बारे में, बट जब मैं इनको यूज करूंगी तो मैं आपके साथ इनकी डिटेल्ड वीडियो जरूर शेयर करूंगी और उसमें मैं एक ही प्रोडक्ट लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकूं। ये जो पाउडर है इसकी एक्चुअल प्राइस है 259 रुपीज, बट ये मुझे मिला है 189 रुपीज में। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज अ गार्नियर स्किन नेचुरल्स ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी नाइट क्रीम। तो मैं पहले एम कैफीन की नाइट क्रीम यूज कर रही थी जिसका मैंने डिटेल्ड वीडियो एक बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चेंज करके देखूं तो मैंने ये गार्नियर नेचुरल्स की विटामिन सी नाइट क्रीम मंगवाई है और इसमें जो दावा किया गया है कि ये आपको एक ब्राइटेंड स्किन टोन देता है फॉर द फर्स्ट डे ऑफ यूज, क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो आपको ये डार्क स्पॉट्स को भी क्लियर करता है और ब्राइटर स्किन फ्रॉम द फर्स्ट नाइट एट इज मेंशनड ओवर हियर। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको यूज करके देखूं तो इसीलिए मैंने ये नाइट क्रीम मंगवाई है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 199 रुपीज, पर ये मुझे मिली है 155 रुपीज में। तो जो मेरा नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज अ लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस और इसका जो मैं शेड लेती हूँ दैट इज 400 डार्क ब्राउन। तो ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ तो ये हेयर कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक सटल कलर दे देता है आपके हेयर को इसके यूज करने के बाद। बट ये थोड़े से जो कलर्स होते हैं ये बहुत हार्श होते हैं, इसीलिए आपको अपने हेयर की बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है आफ्टर यूजिंग दीज हेयर कलर्स। तो ये था मेरा छोटा सा एक शॉपिंग हॉल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।